जिला पुलिस कुरुक्षेत्र ने नए वर्ष के उपलक्ष्य पर यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों को पुष्प देकर यातायात नियमों की पालना करने के लिए जागरूक किया। जिला कुरुक्षेत्र के यातायात पुलिस ने नव वर्ष के उपलक्ष्य पर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान न करके बल्कि उनको समाज के जिम्मेदार नागरिक होने का एहसास करवाते हुए पुष्प प्रदान किए। पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र डॉक्टर अंशु सिंगला ने जिला यातायात पुलिस को निर्देश दिए कि नव वर्ष 2022 के अवसर पर पूरे जिले में यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान न किए जाएं, बल्कि उनको पुष्प देकर यह एहसास कराया जाए कि वे यातायात नियमों की पालना न करके खुद की तथा दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं। नियम बनाने का मकसद यही होता है कि कोई भी व्यक्ति समाज के किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब न बने। नियम कानून समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं और नियम कानून सभी पर एक समान रूप से लागू होते हैं। जब कोई व्यक्ति इन नियम कानूनों को तोड़ता है तो उससे पूरे समाज को परेशानी का सामना करना पड़ता है और समाज में अव्यवस्था फैलती है। आम नागरिकों को ये बात समझनी चाहिए कि यातायात के नियम उनकी खुद की, उनके परिवार की तथा उनके पूरे समाज की सुविधा के लिए है। इन नियमों की पालना करवाना पुलिस की जिम्मेदारी है और नियमों की पालना करना आम नागरिक का कर्तव्य है। यातायात से संबंधित नियमों की पालना करवाने के लिए आम नागरिकों को इस बात का एहसास होना बेहद जरूरी है। पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र डॉक्टर अंशु सिंगला के आदेश पर कार्य करते हुए जिला यातायात पुलिस द्वारा उप पुलिस अधीक्षक लाडवा भारत भूषण की अगुवाई में यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों को पुष्प देकर यातायात नियमों की पालना करने के लिए जागरूक किया गया। यातायात के सभी नियमों व कानूनों का पालन करके ही हम सभी देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने का अपना फर्ज अदा कर सकते हैं। वाहन चालकों ने भी जिला पुलिस की इस पहल की सराहना की और भविष्य में यातायात के नियमों की पालना करने का वादा किया। इस मौके पर थाना यातायात प्रभारी शहर निरीक्षक रामकरण, थाना यातायात प्रभारी हाईवे निरीक्षक रमेश कुमार, थाना प्रभारी शहर थानेसर निरीक्षक निर्मल सिंह, सेक्टर 7 चौकी प्रभारी उप निरीक्षक सुनील दत्त, उप निरीक्षक जगदीश, सहायक उप निरीक्षक रजनी देवी, हवलदार सुभाष चंद्र सुदेश आदि मौजूद थे। भविष्य में चलान होगा, अगर ऐसा कार्य करेंगे तो चलान होगा। जिला कुरुक्षेत्र की पुलिस की तरफ से माननीय एसपी साहब की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से पूरे जिले को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारी ट्रैफिक पुलिस ने जिला कुरुक्षेत्र में चलान ना करके लोगों को जो ट्रैफिक की वायलेशन कर रहे हैं उनको फूल देकर लोगों को हम उनका स्वागत कर रहे हैं और उनको हम एक तरह से सुझाव दे रहे हैं कि वे भविष्य में ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। और जैसे कि कोरोना महामारी का दोबारा प्रकोप बढ़ता जा रहा है उसमें मास्क का प्रयोग करें और डिस्टेंस का भी बना कर रखें। और इसलिए मैं अब सभी को नए वर्ष पर शुभकामनाएं देता हूं और आपके लिए, सभी के लिए, परिवार के लिए भविष्य में इस प्रकार का प्रयास चलता है। खबर नमा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।